हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आपको आपके फेशियल हेयर को किस तरीके से ब्लीच करना चाहिए। और यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ फेम का गोल्ड ब्लीच क्रीम। सो मैंने फेम का ऑलरेडी टर्मरिक वाला हर्बल वन वो ब्लीच यूज किया है और उसका वीडियो भी बनाया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि गोल्ड ब्लीच क्रीम ये कैसे करते हैं। तो एक्चुअली हम देखेंगे कि सही तरीका क्या है ब्लीच करने का, प्री केयर क्या करनी चाहिए, पोस्ट केयर क्या करनी चाहिए और कितने दिनों में ब्लीच करना चाहिए। मुझे हमेशा ये क्वेश्चंस आते हैं। मेन कंसर्न ये होता है कि एक्टिवेटर पाउडर और ब्लीच क्रीम का रेशियो क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। और एक सवाल है कि ब्लीच के बाद हम इमीडिएटली फेशियल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इतने सारे सवाल हैं, तो इसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। आप स्टार्टिंग से देखिए, मैं सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस तरीके से ब्लीच करना चाहिए। सो ये है ब्लीच क्रीम, ये है एक्टिवेटर पाउडर। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसका रेशियो, तो मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले हमें लेना है इसको मिक्स करने के लिए आइदर चीनी मिट्टी का बाउल या फिर ग्लास का बाउल, दोनों में से कौन सा भी आप ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं बस इतना ही ब्लीच क्रीम है इसमें। अब मैं ये पूरा जो ब्लीच क्रीम है ये पूरा ही इसमें लेने वाली हूँ। अब हमें लेना है एक्टिवेटर पाउडर, तो इसमें आधी डिब्बी ही एक्टिवेटर पाउडर है। तो अब मैं इसका आधा डालूंगी, मतलब ऑलरेडी ये हाफ है तो इसमें से भी हाफ करके मैं इसमें डालूंगी। मतलब एक ग्राम का प्रोडक्ट है तो आधा ग्राम लगभग मैं डालूंगी। अब ये लेने के लिए मैं इस वाले ढक्कन में पहले पाउडर लूंगी, तो आप देख सकते हैं। और इस क्रीम का और पाउडर का कलर थोड़ा सा क्रीमिश है, नॉट व्हाइट। अब यहाँ पे रेशो की अगर बात करें तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने पिछली बार इससे भी कम पाउडर लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम ज्यादा एक्टिवेटर पाउडर लेते हैं तो उससे ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, और अगर पाउडर थोड़ी भी ज्यादा हो गई तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको बहुत ही इरिटेशन या इचिंग हो सकती है और रेडनेस भी हो सकता है। सो आप थोड़ा सा संभल के केयरफुली ही पाउडर, एक्टिवेटर पाउडर ले ले। पहले तो कम डाले, पैच टेस्ट करे, अगर बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहा है तो और भी डाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट एकदम से ज्यादा ना डाले। सो इतनी मैंने पाउडर डाली है और मैं अब चेक करूंगी मुझे बर्निंग सेंसेशन कितना होता है, तो उस पर डिपेंड है मैं और कितना डालूंगी। अब हमें इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लग सकता है और ज्यादा टाइम लगाना भी चाहिए इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए, क्योंकि जब एक्टिवेटेड पाउडर के जो ग्रैनुल्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तभी वो हमारे फेस पे अच्छे से काम करेगा और तभी हमारे हेयर गोल्डन हो जाएंगे। सो यू हैव टू मिक्स इट वेल। ये मिक्सचर जो है ये थोड़ा सा फ्लफी होना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा कि ये तैयार है। तो अब मैं इसकी पैच टेस्ट करूंगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे, या आप अपने हाथ पे कर सकते हैं, कान के पीछे कर सकते हैं, या फिर चिन पे भी थोड़ा सा लगा के देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं पैच टेस्ट यहाँ पे करने वाली हूँ, ये एरिया थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो और मैं हाफ मिनट के लिए वेट करूंगी और देखूंगी कि मुझे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता तो थोड़ा सा एक्टिवेटर पाउडर की क्वांटिटी मैं बढ़ा भी सकती हूँ, तो मुझे तो इससे कुछ भी बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहा है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं और थोड़ा सा एक्टिवेटर पाउडर इसमें डाल सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने और इतना पाउडर लिया है, तो इससे आपका कंट्रोल रहेगा कि आपको कितनी पाउडर डालनी या नहीं, आप एकदम से ज्यादा पाउडर ना डालें। और इसको फिर एक बार मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब ये मेरा ब्लीच क्रीम रेडी है, ये मैं लगाऊंगी अपने फेस पे। सो यहाँ पे मैंने मेरा फेस वॉश ऑफ कर लिया है, मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है और फेस पे कुछ भी होना नहीं चाहिए, ना मेकअप ना मॉइस्चराइजर। उसके बाद मैंने मेरे हेयर को पीछे लिया है, अच्छे से टाइप कर लिया है, क्योंकि मेरे जो सिर के बाल है वो कलर नहीं होने चाहिए, वो गोल्डन नहीं होने चाहिए इसलिए। सो अभी मैं अप्लाई करूंगी ये ब्लीच। और एक चीज ध्यान में रखें, आईब्रोज पे, लिप्स पे या फिर यहाँ के जो हेयर है यहाँ पे क्रीम नहीं लगनी चाहिए, और अगर आपके फेस पे एक्टिव पिंपल्स है तो भी ब्लीच का इस्तेमाल ना करूं। तो मैं अपने फिंगर से ही लगा रही हूँ। और इसका थिक लेयर आपको अप्लाई करना है। आईज के अराउंड भी आपको अवॉइड करना है। एक पैकेट में फेस और नेक आराम से कवर हो जाते हैं।
इसको रखना है 15 मिनट्स तक, सो मैक्सिमम 20 मिनट्स. एंड अगर आप ज़्यादा डार्क हो तो 10 मिनट्स में भी आप निकाल सकते हो. सो 15 मिनट्स हो गए हैं और अब ये मैं निकालूंगी स्पैटुला की मदद से, क्योंकि जब हम डायरेक्टली वॉशआउट करते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि बहुत झाग होता है और अच्छे से नहीं निकलता ब्लीच, बहुत देर लगती है. तो इससे अच्छा आप पहले स्पैटुला से निकाल लें और उसके बाद फेस वॉशआउट कर लें. तो आप थोड़ा सा निकाल के वहाँ के बाल थोड़े चेक कर सकते हो कि गोल्डन हो गए हैं या नहीं. जितना निकल सकता था उतना मैंने निकाल लिया है और अब मैं फेस वॉश ऑफ कर रही हूँ. सो मैं मेरा फेस वॉश ऑफ करके आई हूँ और बहुत ही विजिबल डिफरेंस है, क्योंकि इस बार जो रेशो है वो बहुत ही परफेक्ट हो गया था. आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बाल है ये गोल्डन हो गए हैं. ब्लीच होने के बाद अगर आपके फेस पे कुछ रेडनेस होता है या फिर इरिटेशन होता है, इचिंग होती है, तो आपको उसके बाद करना है आइसिंग. तो यहाँ पे मैंने आइस लिया है और आइस से मैं थोड़ा सा मेरे फेस पे मसाज करूंगी. तो इसके बाद मैं एलोवेरा जेल अप्लाई करूंगी. एलोवेरा जेल मेरी स्किन को स्मूथ रखेगा और दूसरे कुछ साइड इफेक्ट होने से बचाएगा. एक्चुअली आपको ब्लीच होने के बाद सन एक्सपोजर नहीं करना होता है, और ट्राई करें कि शाम के वक्त 6-7 बजे या फिर नाइट पे 9-10 बजे आप ब्लीच करें. ब्लीच होने के 5 घंटे बाद आप कुछ ना लगाए फेस पे, तो यहाँ पे आप ब्लीच के तुरंत बाद फेशियल कर सकते हैं, तो इट्स ओके फॉर दैट. और एक सवाल आता है कि रिपीट कब तक करना चाहिए ब्लीच, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि 1 महीने में एक बार मैक्सिमम आप करें, क्योंकि मैं खुद 3 महीने में एक बार ब्लीच करना पसंद करती हूँ. ब्लीच हमारे फेस के लिए इतना अच्छा तो है नहीं, तो उसको बार बार लगाने से कोई मतलब नहीं है. और बहुत लोग पूछते हैं कि मैं 16 साल की हूँ, 13 साल की हूँ, 14 साल की हूँ, लगा सकती हूँ या नहीं, ब्लीच कर सकती हूँ या नहीं. बट यहाँ पे मैं बताऊंगी कि जरूरत नहीं है इतनी जल्दी ब्लीच करने की. लिक्विड पाउडर और ब्लीच क्रीम का रेशियो तो मैंने वीडियो में बता दिया है कितना लेना चाहिए, तो हर एक इसके स्किन टाइप के हिसाब से आपको लेना पड़ता है वो, और टेस्ट करके ही फिर और डालना पड़ता है. तो मैं खुद तो ऐसे ही करती हूँ, तो आपको भी वही सजेस्ट करूंगी. अगर बहुत ज्यादा हो गया पाउडर तो आपके फेस पे जलन हो सकती है, और बहुत कम हो गया तो बाल गोल्डन ही नहीं होंगे. तो ये 2 चीजें ऑब्वियसली होंगी अगर आपका रेशियो गलत हो गया तो. आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं और मैंने इतने एफर्ट से वीडियो बनाया है, तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद. टेक केयर, बाय बाय.